हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं उमेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ्स पर। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं मैंने आपको लोगों को 30,000 जेजे पोस्ट के लिए जो रिगार्डिंग जो एग्जाम हुआ है हमारा 10th और 11th में, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है। और मैं मॉर्निंग शिफ्ट का 10th मॉर्निंग शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स, हिंदी और जीएस कवर किया। आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल पसंद करने के लिए। और फ्रेंड्स, आज मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो है 10th फरवरी इवनिंग शिफ्ट का, जो जीएस का पोर्शन था वो सेक्शन मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जीएस सेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बर्ड लेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग? निम्न में से कौन जीवित पक्षी विश्व में सबसे बड़ा अंडा देता है? आंसर होगा शतुरमुर्ग या कहूं ओस्टरिच। फ्रेंड्स, इसका जो रिकॉर्ड है वो अब तक का सबसे हैवी एग 5 पाउंड में है, और मैं साइज की बात करूं तो 11.35 ounces में इसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, हमें बताना है कि आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा यमुना। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीन, विच अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज एकेडमिक अवार्ड? आंसर होगा दी ऑस्कर। कह सकते हैं कि एकेडमिक अवार्ड को एक निकनेम दिया गया है, द ऑस्कर। क्वेश्चन नंबर चार, हमें बताना है हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, आंसर होगा इटली। और इसकी स्टेबलाइजेशन हुई थी 16th ऑफ अक्टूबर 1945 में, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फाइव, वेयर इज द मेलकोट टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? हमें बताना है मेलकोट टेम्पल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, ये स्थित है कर्नाटका में, और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1974 में। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, विच स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट हैज एंटर्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिगेस्ट ह्यूमन लोगो इन अक्टूबर 17? किस राज्य के निर्वाचन विभाग ने अक्टूबर 2017 में सबसे बड़ा मानवीय लोगो बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना स्थान बनाया? फ्रेंड्स, आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर सेवन, द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा इज ऑन द फेमस लैंडमार्क ऑफ? कहां पर स्थित है गीजा के जो पिरामिड है, गीजा का महान पिरामिड कहां पर स्थित है बताना है? आंसर होगा मिस्र या कहूं इजिप्त। बहुत ही आसान, बहुत ही पुराने क्वेश्चंस मैं इनको कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, द जैसलमेर फोर्ट ऑफ द लार्जेस्ट फुल्ली प्रिजर्व्ड फोर्टिफाइड सिटी इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ? आप सभी को पता है जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। सो जैसलमेर फोर्ट भी कहीं कहाँ पे होगा? जैसलमेर में, ओ सॉरी, राजस्थान में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन, अब देखिए नॉट बताना है हमें, नॉट बीन ऑथर्ड बाय चार्ली डेकन्स। चार्ली डेकन्स ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो आंसर होगा क्रिसमस डे इन दी मॉर्निंग। और ये आंसर फिर, ये अगर इन्होंने नहीं लिखी तो किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रेंड्स पर्ल एस बक्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, ला टमाटेना इज फूड फाइट फेस्टिवल हेल्ड इन? हमें बताना है कि जो ये त्योहार है खाद्य पदार्थों से लड़ाई का पर्व ला टोमाटिना कहाँ मनाया जाता है? आंसर होगा स्पेन में। आपने देखा होगा जिंदगी मिलेगी ना दोबारा मूवी, आप सभी ने देखी होगी, बहुत ही शानदार मूवी बनाई है, और उसमें भी ये चीज दिखाई गई है, ये जो त्योहार है ये लड़ाई टमाटर से खेलते हुए दिखाई गई है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर फॉल्स? आंसर होगा संडे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर कनेक्टेड बाय द पल्क स्ट्रीट? फ्रेंड्स, सबको पता होगा इंडिया के साउथ में आपको दिखाई देती होगी पल्क स्ट्रीट, जहां पे भारत और श्रीलंका मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन अक्टूबर 2017? आंसर होगा न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली के लाल किले में ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रोपाउंडेड द थ्री लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन? बताना है कि किसने गृह गति के तीन
नियम प्रतिपादित किए थे? फ्रेंड्स आंसर होगा केपलर। केपलर लॉ के नाम से हम इनको जानते हैं, इन नियम्स को, और उन्होंने बताया था ऑर्बिटरी मोशन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ, चंडीगढ़ कहाँ की कैपिटल है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या ए और बी दोनों, मतलब पंजाब और हरियाणा। आंसर होगा बोथ, ए एंड बी, पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट, लाल ग्रह कौन से ग्रह को बोला जाता है? आंसर होगा मंगल। बहुत सा सुना होगा आपने लाल ग्रह पे के लिए यान, मंगल या ग्रह के लिए यान जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पीयूष गोयल इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ, पीयूष गोयल ने कौन सा डिपार्टमेंट संभाला है अभी? आंसर होगा रेलवे। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, जो हमारे सुरेश प्रभु थे उनकी जगह ली है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉम्पोनेंट्स कलर इज नोन एज, सो इसे कहते हैं फ्रेंड्स डिस्पर्जन या प्रतिकिरण, पर किरणवन। श्वेत प्रकाश का इसके निर्माणक रंगों में विभाजन पर किरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप एज कैश विद द आरबीआई इज नोन एज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्य बैंकों के लिए आरबीआई के पास नगद रखा रखना अनिवार्य होता है, क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, फ्रेंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल द ओलंपिक गेम्स बी होस्टेड इन 2020, 2020 में होने वाले ओलंपिक गेम्स कौन से शहर में आयोजित होंगे? आंसर है टोक्यो, जो कि है जापान में। और फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि 2016 में जो हुए थे वो रियो ओलंपिक्स हुए थे, रियो में खेले गए थे, और 2020 के बाद जो 2024 में समर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो पेरिस में होंगे, जो कि फ्रांस में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस? आंसर होगा टेलीस्कोप, पहले वाले पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14, आंसर होगा 6 से 14। हमें इसमें बताना था कि जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारतीय संसद का एक अधिनियम है? आंसर होगा 6 से 14 साल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड, पोलियो डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24th of October। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डैश हैज बीन लिस्टेड अमंग इंडियाज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रेंड्स आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, भारत की एक अमूर्त सांस्कृतिक मानवीय विरासत में सूचीबद्ध किया गया है किनको? इन सभी को, जो कि है कुडियाट्टम, रम्मन, छाऊ नृत्य, ठीक है, और इन सबको ही किया गया है। आप एक बार ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा। बेशक मैं आपको बता दूं, जो छाऊ डांस है इसको 2010 में इस लिस्ट में मेंशन किया गया था, और जो रेमन है इसको 2009 में किया गया था, कुडियाट्टम को 2008 में किया गया था। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि रिसेंटली कुंभ मेले को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है लास्ट ईयर 2017 में, और इंडिया की योगा भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि शामिल की गई थी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज इज एलेक्जेंडर ग्राम बेल एसोसिएटेड, एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, क्या इन्वेंशन की थी? उसका आंसर होगा टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट विल इंट्रोड्यूस अ हेलीकॉप्टर टैक्सी या हेली टैक्सी सर्विस टू इज कम्युनिकेटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम ट्रैफिक, फ्रेंड्स बताना है अधिक यातायात के दौरान आवागमन आसान बनाने के लिए निम्न में से किस हवाई अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई? आंसर होगा बी केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है बेंगलुरु में, कर्नाटका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट प्रेजेंटली हैज वुमन एज इट्स चीफ मिनिस्टर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
सबको मालूम होगा, जम्मू एंड कश्मीर की सीएम है महबूबा मुफ्ती सैयद। क्वेश्चन नंबर 28, शोभा मुदगिल इज एसोसिएटेड विद, शोभा मुदगिल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बहुत ही मशहूर गायिका है ये। 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, द चौटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ट ऑन डैश रिवर, कौन सी रिवर पर बनाया गया है यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? सुरु रिवर पर। कारगिल जिले में चटुक जल विद्युत यंत्र कौन सी रिवर नदी पर बनाया गया है? सुरु नदी पर, और जो कि है ग्रेट उसमें जम्मू एंड कश्मीर में। 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी दी सन? आंसर होगा आदित्य L1, और ये इंडिया का पहला मिशन है सन के लिए, और इसे कंडक्ट किया जाएगा 2019 में, यानी अगले साल। 31, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व? आंसर होगा 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन? हमें बताना है निम्न में से कौन सा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो है? आंसर होगा अर्देश खरसेदजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूटीन सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि तीन सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, तो कौन सा नहीं होता हमें बताना है क्वेश्चन में। आंसर होगा समर सेशन, और इसका सेशन भी मैं बता देता हूँ, बजट सेशन जो होता है वो जनवरी टू फरवरी रन करता है, मानसून सेशन जुलाई टू अगस्त रन करता है, और जो विंटर सेशन होता है वो दिसंबर टू जनवरी, मिड दिसंबर टू जनवरी चलता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ वीजीए? वीजीए की फुल फॉर्म हमें बतानी है क्या होती है? आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर 35, डायनामाइट विच इज एन एक्सप्लोसिव वाज इन्वेंटेड बाय? बताना है डायनामाइट जो कि एक विस्फोटक है उसकी खोज किसने की थी? आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई इन स्पेस? फ्रेंड्स हमें बताना है कि स्पेस में जाने वाली पहली महिला, प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा वेलेंटिना तेरेश्कोवा, और फ्रेंड्स ये रशियन थी। क्वेश्चन नंबर 37, द पिकॉक थ्रोन विच वॉज अ फेमस ज्वेल्ड थ्रोन, ये किसने बनवाया था? बताना है मोर मुकुट, जो एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित मुकुट है, किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 38, अ फाइल दैट हैज नॉट बिन ऑल्टर्ड कंप्रेस्ड और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय अ कंप्यूटर इज नोन एज रॉ फाइल। जो फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी भांति बदला, कंप्रेस या परिवर्तित ना किया गया हो उसे हम रॉ फाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है ब्रिजस्टोन इज द कैपिटल ऑफ, ब्रिजस्टोन कहाँ की कैपिटल है? तो आंसर होगा बारबेडोस, ब्रिजस्टोन बारबेडोस की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर वाज स्टार्टेड इन? फ्रेंड्स आंसर होगा IIT मद्रास। मैं बताऊं आपको, मैंने अभी इन दो तीन वीडियोज से पहले एक करंट अफेयर्स की वर्ल्ड के नाम से, वर्ल्ड EST करके कुछ नाम से मैंने वीडियो आप लोगों के लिए इसके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन मेंशन भी किया हुआ है। करीब हो गए 4 से 5 दिन पहले मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उसमें से दो तीन क्वेश्चंस उठ के आए हैं इन्हीं एग्जाम्स में, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे लिखे हुए सभी जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन पेपर में आए हैं। तो फ्रेंड्स उनको पढ़ के जरूर जाइएगा, मैं आने वाले 1-2 दिनों में सभी वीडियोज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हु वॉन दी चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन अक्टूबर 2017? ये मेंस ग्रुप का हमें बताना है, आंसर होगा राफेल नडाल। अगर हम बात करें वुमेन सिंगल्स में तो आंसर होगा कैरोलिना जेरकिया। क्वेश्चन नंबर 42, इन IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस हैज अ लेंथ ऑफ? आंसर होगा 128 bits IP, ये सिर्फ 6 जो है ये वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6।
आईपीवी फोर में जो था हमारे पास 32 एंड 64 में बिट्स मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कुलर कोलम्बेंडेड बिल्डिंग बिल्ट इन द इंपीरियल स्टाइल। आंसर होगा पार्लियामेंट। आपने देखा भी होगा जो हमारा भारतीय संसद है वो एक गोलाई में बना हुआ है और पिलर्स पर बना हुआ है। हमें यही बताना था निम्न में से क्या साम्राज्यिक इंपीरियल शैली में निर्मित वर्ताकार स्तंभावली युक्त भवन है। आंसर होगा संसद भवन। 44th हमें बताना है सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द इंडिया गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2017 वाला। तो फ्रेंड्स आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड इज अ बुक ऑथर्ड बाय इसका सुक्ता महतु है ना। ठीक है, मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लास्ट एंड फाउंड पुस्तक किसने लिखी है, सुकेतु मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज द स्टेट सिंबल ऑफ आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स वाटर लिली आंसर होगा। निम्न में से कौन सा फूल आंध्र प्रदेश का राजकीय प्रतीक है, वाटर लिली। क्वेश्चन नंबर 48 डार्विन फिंच इज डिस्टिंग्विश ग्रुप ऑफ ये बर्ड है। फ्रेंड डार्विन का फिंच पक्षी प्रजाति का एक विशिष्ट समूह है। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वर यूज इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, मैंने लगाया नहीं है क्योंकि ब्रास का मुझे कंफर्म नहीं था और क्योंकि मुझे मैंने जो देखा उसमें कॉपर भी यूज होता था, गोल्ड भी यूज होता था, सिर्फ ऐसा था, सिल्वर भी यूज होता था, सिर्फ ऐसा था कि आयरन यूज नहीं होता था। ठीक है, इन्होंने ब्रास भी ऑप्शन दिया है, मेरी तरफ से ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच कमर्शियल बैंक इन इंडिया विल लॉन्च द फर्स्ट इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म नेम्ड योनो। आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बनाया गया है डिजिटल बैंकिंग के लिए या कहें फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए जीएस का पोर्शन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो फ्रेंड एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चेक कीजिए कितने मार्क्स आपके बनते हैं। इसका साथ ही मैं कुछ एक दो और भी सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। 11th डेट वाली भी हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो वो भी बहुत जल्दी ही आपको आज कल में ही मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।